जा रही हूँ, मैंने सारी अपनी पैकिंग कर ली, अब मैं सोने लगी हूँ, आपको मिलूंगी सुबह। बाय बाय बुबुशी, बाय बाय शी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ और तबीयत पहले से कुछ बेहतर है, बस रेस्ट की है थोड़ी। आई थिंक थकावट बहुत ज़्यादा हो गई और एग्जॉस्टन, बस ओदे नाल जड़ी है तबीयत, तो इस तरह हुई सी। और अब कल जाना है मैंने पाकिस्तान, बस बड़ा सोचा टिकट अगे करावा, हले ना जावा, हले अपनी सेहत वेख लवान। फिर अबू ना सुबह गल हुई ते अबू कहंदे ने पुत्र तू इत्थे आ जा ते तू ठीक हो जाए। मैं क्या अच्छा, बस फिर मैंने माइंड चेंज कर लिया, मैं क्या चलो ठीक है, अबू को ही चली जानी है, हो सकता उत्थे जाके मैं ठीक फील करा। तो जी बस वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके फिर देखते हैं, अब्बू जी को मिलते हैं और अल्लाह खैरियत का सफ़र करें। आज बच्चों के लिए मैंने कहा क्या पकाऊँ, तो मैंने कहा आज धुआं गोश्त बनाती हूँ, मैनू भी चैन नहीं। साथ तंदूर की रोटी, लेकिन पुदीना को नहीं। मैं क्या चलो बाहरों ना गार्डन च जाके मैं मिंट लेके आऊँ। आप देखें मेरी आवाज़, जब मैं ठीक होती ना मुझे अपनी आवाज़ से पता चल जाता मेरी आवाज़ ठीक है, नहीं तो मेरे को तो बोलिया ही नहीं जाता हूँ। आ जाओ गार्डन च, चलिए गार्डन में चलते हैं बाहर और बाहर से तोड़ते हैं जाके मिंट। मिंट हमारा पहले का लगा हुआ है और वो देखे यानी गुस्सा हुआ उसके अंदर। इतने मर्चा लगनिया सन, पता नहीं मर्चा लगिया ने कि नहीं, अरे किधर गई ने मर्चा भी। ये देखें ये बिल्डर सारा छोड़ के भाग गया है और हूँ पता नहीं कौन आएगा, कौन इनू करेगा। सही। और आपको दिखाते हैं मिंट, ये देखें मिंट लगा हुआ, ऐ देखो ये मिंट तोड़ते हैं इधर से, बड़ी सोहनी खुशबू हो जाए, बड़ी जबरदस्त। मिंट तोड़ लिया हमने और चल के पकाते हैं अब खाना। मैं कहना नु हांडी पका के दे जाओ। इधर इन्होंने शेड बना ली है, वो जिम बना ली हुई है, यहाँ पर लगाएंगे वेजिटेबल्स, अभी तो ऐसे जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं, इधर लगेंगी और वो उधर लगेंगी। पुदीना आ गया, अब निकालो प्याज। ये है जी मीट शोल्डर, एक मीडियम शोल्डर मैंने लिया हुआ है, ये देखें तो मीडियम शोल्डर है एक, और इसका आज ये बनेगा प्याज। देखा यानी को डांट पड़ रही है, जिम जाके बढ़ जाते हैं ना। और यहाँ पर जी मैंने गोश्त को डाला प्रेशर कुकर में, जिंजर गार्लिक उस पे सूटा और नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डाल। मैं कह रोज़ घर वाले पूछते हैं कि आज क्या बनाएंगे, आज क्या बनाएंगे, कड़ी नवी चीज़ बनाओगे। मैं कह लो जी नवी चीज़ आई जे फिर फड़ लो। नाल नाल किचन दी भी काम हो रहे सन, बस हर शह नू तवज्जो ते प्यार दी जरूरत ते कोई शह जड़ी है वो रहिंदी नहीं तुहाडे प्यार तो बगैर। है हर शह प्यार दी भुखी, धनिया प्यार दा भुखा, पुदीना प्यार दा भुखा। बिन वाल वेखो तो बिन प्यार दा भुखा, वो कहंदा मैनू खाली करो। तो जी बस हर किसी के ऊपर अपना प्यार निछावर करने के बाद हमने धनिया धनिया काट के यहाँ छलनी में ना मैं डाल रही हूँ दही। दही को हमने इस तरह से इसमें ड्रेन कर लेना कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। ये बन रहा है जी धुआं गोश्त और ये हमारी बहुत ही सीनियर कोकब ख्वाजा जो पाकिस्तान की एक नामवर कुक हैं उनकी रेसिपी है जो मैं ये बना रही हूँ आज, तो तुहानू भी चंगी लगेगी। तो लो जी असी अपना गलिया गोश्त पाया कढ़ाई च, मैं क्या चल जरा खुले डुले होके पकिए। कोयला जो है वो मैंने रख दिया इधर इस तरह से, मैं क्या कोले दे पखण तक इधरों साड़ी जड़ी है ना हांडी बड़ी सोहनी भुजी जाएगी। ये पाइया कालियाँ मर्चा, इसको हमने भुना और ये देखें जी इसमें हमने लाल मिर्चें भी थोड़ी सी डाल दी। मैं कहनी हाँ जिंदगी दी ना हर चीज़ को असं कुछ ना कुछ सीखते जरूर हाँ,
कि किस तरह किसी चीज़ की बेस बनती है, किड्डी सोहनी वह पकती है। और कई बार साड़ियाँ अपनियाँ गलतियां ही साढ़े किते किराए ते पानी फेर छड़दियां ने। साड़ियाँ अखां अगे पट्टी इंज बजदी है कि सानू कुछ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल जिस तरह ये हांडी पक रही है, इसमें दही गया, एडी सोहनी भुज्जी, मिक्स वैजिटेबल गई, धनिया गया, पुदीना गया, हर शह सोहनी सी। फिर जी असी अपनी मर्जी ना सोचे इन दही कोले का धुआं जरा स्मोकी फ्लेवर आए, जो धुआं निकलन लग पाया तो असी उत्ते दे छड़िया ढकना। और मैं आपको बताऊँ हुणे दी सारी खासियत दे विच, इहदी सारी खूबसूरती दे विच वड़ गया जे धुआं और ये धुआं सारी जिंदगी रहेगा। इसमें कहण दा मकसद है कि जिंदगी च ना अपनियां चॉइसिस जिहड़ियां ने वह सही करिया करो, वो सोचा करो कि जिहड़ा काम तुहाडा दिल बहुत करन नूं करदा पिया किते तुहाडे पिछलियां कम्मां ते भी पानी ना फेर देवे। तो जी यहाँ पे मेरे पास प्रैशर कुकर है, जे तुहाडे कोल सिल्वर दा होए तो बहुत ही वधिया। असी जी रोटी पकाई उहदी कंड ते लाया पानी, असी इहनूं तड़फा लिया, पका लिया, उहदे च असी इंज लाइया रोटियां। मैं कहा तंदूर ना बस हुण लै ही लैणा, मैं तो एवें ना हुण हांडियां दे विच रोटियां पकानियां शुरू कर दित्तियां। जब इस तरह से पक गया तो इसको हमने मूंदा मार दिया इस तरह गैस के ऊपर, और देखे हमारी रोटियां पक के गई सन। पर मैं क्या कि चलो मैं पूरी उनकी रेसिपी फॉलो करूं जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में बनाई थी, और उन्होंने भी बड़ी अच्छी तंदूर की रोटियां बनाई हुई अपनी रेसिपी में। उस तो बाद जी असी आ गए अपनी आई थे, असी क्या जी असी अपने तवे ते पकाई है रोटियां, हमारी हांडी बड़ी बेहतरीन पक चुकी थी। घर वालों की जी फिर वारी आ गई, मैं क्या लिया तुहानू खाना पा के देवां सारियां। ए पता नहीं मैनू कित्थों आदत है खाना पा के देण दी, क्योंकि मेरी अम्मी सारियां नू खाना पा के देंदे हुंदे सन। और हले भी मेरा बेटा वड्डा आएगा ना, वह कहेगा मामा खाना डाल दे है, तो अपने आप नहीं खाना लैके पाना। मैं क्या यही चीज़ा तुहानू कमी का अहसास दिलांदियां ने, यही प्यार है जिहड़ा तुहाडे होण दा अहसास दिलांदा कि तुसीं किन्ना प्यार करदे हो अपने रिश्तियां दे वास्ते। अभी आए हैं जी हम कॉस्टको, सबको खाना वाना दे के घर में, और थोड़ी यहाँ से चीज़ें लेनी है, कल पाकिस्तान जाना है, बस खैर से पहुँचे। मैं बिल्कुल ही लास्ट मिनट पे डिसाइड किया कि मैं जाना है, हालांकि मेरी अपॉइंटमेंट जी मैंने मिली डॉक्टर की प्राइवेट लई सी, पर वो मैंने मिली लेट। और मैं जल्द टिकट कैंसल कराने का पता किया तो वह भी काफ़ी पैसे ज़ाया होंगे पे सन, अगे कराने तो पैसे बहुत लगते पे सन। तो मैं क्या चलो चली जावा, ये अबू जी के मैं कपड़े देखने आई थी, गर्म कपड़े सर्दियाँ आदि पियाँ ने, मैं क्या पसंद कर देने इंज दियाँ। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी सोहनी सोहनी बहनों, जो भी व्लॉग्स मेरे हिना के हम सब के देखती हैं, आप सब से मुझे बेहद प्यार है और मैं बड़ा एप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा तुसी बहुत ही परेशान हो यहाँ सारियाँ के हिना आपकी तरफ नहीं आई, आप हिना की तरफ नहीं गई तो हिना बेचारी कैसे बताती कि मैं किधर हूँ, क्योंकि जिस दिन हिना यूके आई है उसी दिन मैं पाकिस्तान गई हूँ, तो उन्होंने सी के बाजी आप ही दसणगे तो पता लग जाएगा। वो तबीयत मेरी कुछ ऐसे थी, इसलिए मैंने व्लॉग्स जो है ना वो भी आराम से ही लगाने थे। तो हिना से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब है, मेरिया भैन मेरी जान है, मैंने क्यों उनसे नाराज़ होना है। सारी रखनी है, पैकिंग सारी बेड पर पड़ी है, देखें पहनने वाले कपड़े इसमें रखेंगे और कुछ चीज़ें वैसे। ये मैं कॉस्को से लेके आई हूँ, ये अपने स्नैक्स के लिए, और ये है अब्बू जी का फ्लफी, अंदरों अंदर से इतना फ्लफी है ना, ये देखें सर्दी बड़ी लगती है ना उन्होंने, सर्दी में पहनेंगे। तो बस से करेंगे शॉपिंग, ये भी अब्बू जी का अबू जी दी शहमा ने सारियाँ। मेरी फ्लाइट जो है ये आगे हो जानी थी, लेकिन बस अबू जी ने मैनु करण नहीं दिती। ये सब अबू जी की चीज़ें हैं, चलो रखते हैं सारी बारी बारी। और ये वाली चाय लेके जा रही हूँ मैं, कावा, ये देखिए ये रिलैक्स, ये मेरी अपनी खान पीन वाली शेवा मेरी डीकैफ टी, और ये हैं उजी बाइट्स, ये कॉस्टको, ये भी मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ। होर की है होर, बस शैम्पू शैम्पू ने, ये देखें बस इनको पैक करते हैं। अभी यहाँ पर होने लगी है तैयारी
चीजों की कौन कौन सी लेके जानी है कौन कौन सी नहीं लेके जानी ते बस कुछ ना पुछ पैकिंग दा खलारा प्यारे खलारा। ये देखिए ये इधर से सारी उठ के सब बंद नहीं हो रहा अच्छा जी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये जब मैं ये देखें ये अलीना ने मुझे भेजी थी इसमें ये जब मैं ग्लासगो गई थी तो वहाँ पर मुझे मानो सहर मिली थी और एक और बड़ी प्यारी उनकी फ्रेंड भी थी उन्होंने मुझे ये दिया था और मानो ने ये मुझे खूबसूरत सा कार्ड दिया था और ये मैं सामान क्योंकि मेरे पास सूटकेस छोटा था तो उसमें ये चीज़ें आई नहीं तो ये जो है मामू ने मुझे दिया था ये खूबसूरत सा क्लच देखिए कितना खूबसूरत है ड्यून का बड़ा ही प्यारा और ये जो है इनका नाम था आमना था शायद नाम और मेरे जेन जो निकल गया। बड़ी अच्छी लगी है आपकी चीज़ें और बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू Very nice. हो गई जी देख लें सारा दिन घर दे काम कर करके और अब जो है ना मैंने सारी अपनी पैकिंग कर ली अब मैं सोने लगी हूँ आपको मिलूंगी सुबह। इसरा उठा के देखो कितना का वेट है इनका इसको उठाओ जरा 15-20 चल ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी उसकी मदर इन लॉ थी तो वो मुझे कहती हैं पाकिस्तान चल रही है मिकी दसिया कोई नहीं सू मीरपुरी बोलती थी तो कहती है मैं उन्होंने क्या हूँ तो जंदे चाबियाँ भी ले आई हूँ तो दस दे कितने चली हैं। अल्लाह हाफिज जी घर को और इंशाल्लाह फिर आके मिलेंगे बाय बाय बबुशी बाय बाय शी तो चलो जी चलिए पाकिस्तान पाकिस्तान बैग चुक लिया बस हूँ उत्थे जाके तुहानू मिलांगे पाकिस्तान जाके मेरा 2 दिन का रेस्ट है उसके बाद फिर मैंने अबू जी के पास जाना है वो 2 दिन हमने क्या करना है आप वो भी देखें हमारे साथ रहें और बस जी घरों बंदा जदों जाता है तो घर की याद जदों उत्थे जाता है तो उत्थे की याद बस यही कुछ ही रहता। जंपर देखें जी जो मैंने जंपर पहना हुआ ना ये मैंने अपनी नंद के लिए लिया है यदि ना जगह समान च बनी कोई लास्ट टाइम भी जो मैंने उनके लिए लिया था ना वो मैं पहन के गई थी और ये भी मैं पहन के जाऊंगी रास्ते से परफ्यूम लगा लगू के इसके ऊपर और फिर उनको दूंगी कह लो जी हुण तुसी पाओ और बस यही होता है प्यार ऐसे चीजें हम लेके जाते हैं बाकी के सामान इधर है। ओके जी अल्लाह हाफिज़। यानी मिस करना है मामा को रिकॉर्ड ना करो कहीं इसको देख लो ये बात नहीं है कैमरे में इसको होता है बस मुझे ना रिकॉर्ड करो। बस जी एयरपोर्ट का रास्ता आ रहा सी और वहाँ मैं जा रही थी बीच में मुझे डर भी बड़ा लग रहा था अपनी तबीयत को लेके कि मैंने रिस्क लिया है बहुत बड़ा अगे अल्लाह खैर करे। बस जी यानी बड़ा शर्मांदा है हूँ नहीं आता कैमरे के सामने बच्चे जाहिर है जब बड़े हो जाते हैं फिर उनकी अपनी मर्जी होती है अपनी मर्जी के हिसाब न चलते ने जी एयरपोर्ट पर पहुँच गए अब जाते हैं अब देखते हैं सामान का क्या बनता है बस पैनिक शुरू हो गया मेनू कि पता नहीं हूँ खोलना पवेगा सामान नहीं जी बड़ा रश है जी यहाँ पे देखें पीछे बहुत रश बड़ी दुनिया आई हुई है ये देखें देखें जी कितना रश है देखें जी शुक्र है 23 ओके याना थोड़ी सी की है जी शॉपिंग परफ्यूम चीज़ें मैं ले ही नहीं सकी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ कहीं गई नहीं मैं कहा चले यहाँ से थोड़े से परफ्यूम देख लूँ। अच्छा हाँ कहाँ देखा है पता नहीं मैं भी कहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे देखा होगा यूट्यूब पे देखा होगा हाँ यूट्यूब पे ये हाँ ये जी हम इधर देखें बस जी तबीयत मेरी
दिल हार्ट बीट तेज हो जा रही है, बस देखें अब पहुंच जाऊं सही खैर करिए से। क्यू बहुत लंबा है जी और मुझे तो एंजाइटी शुरू हो गई है, बस पता नहीं कि नवी बीमारी लगी है। तो अभी बस प्लेन में बैठती हूँ तो फिर देखती हूँ थोड़ा तबीयत सेट हो। तो क्यों बड़ा लंबा है अभी, ज़रा थोड़ा कम होता है तो फिर ज्वाइन करती हूँ। ये देखें जी प्लेन, वो उधर बाहर के अंदर। ये देखें जी आपका नाम मैं भूल गई, हिना। हिना मिली थी हमें ना उस पे मेहंदी पे। चले अब मैं तो आगे जा रही थी। देखो मुझे लेने ले गया बेचारा, फंस गई थी मैं इधर। ये मेरा बैग, बैठ गए जी प्लेन में बस। बस जी जेल्ले जहाज उड्डन लगे ना मैनू डर बड़ा लगता है, पर मैं कोशिश करनी हाँ विंडो वाली सीट लवा और बाहरों वेखती जावा। जेल्ले उत्ते जांदा दुनिया कितने थले रह जाती है फिर तो डर भी बड़ा लगता है, पर इस जहाज च कोई टर्बुलेंस ही मैनू तो यही डर लगे हुणे डिग्गिया ते हुणे डिग्गिया। उत्तों दिल की हालत इन्नी नाजुक उत्तों इहो जिहे शौक जेल्ले बंदे नू लगन ते फिर की बनता। लो जी खाणा खाधा ते दोहा च असीं लैंड हो गए और यह हूँ असं निकलने लगे सांबार। बस जी दोहा पहुँच गए और टर्बुलेंस बहुत थी फ्लाइट में, बड़ा ही डर लग गया। बस पहुँच गए ठीक ठाक, अब कनेक्टिंग फ्लाइट आगे से लेके तो पहुँच गए जी। कितना रश है इधर, ये जी यहाँ पे फ्लाइट चेक करेंगे। B6 है जी मेरा गेट, उधर जा रही हूँ और देखो किड्डा रिस्क लिया अपनी तबीयत का है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है ना वो भी लेट थी, टिकट कैंसिल करानी पड़नी थी। मैं क्या अल्लाह ना लगा तो जाए ज़ाफ़रान देखें कितना ज़बरदस्त पड़ा। बस अबू जी को सरप्राइज देना, अब जाके देखते हैं कैसे खुश होंगे। उन्होंने पता सी मैं फ्लाइट कैंसिल करा देती अपनी और मैं लेट आऊंगी। वो जी देखिए बोर्डिंग हो रही है, बस फटाफट जाके उस क्यू में लगे अब। लो जी बोर्डिंग हो गई और हम वापस आ गए प्लेन के अंदर। हम जा रहे थे और रात के शायद कोई 1 बजे का टाइम था। तो बस जी अभी बड़ियाँ जरूरी इंस्ट्रक्शन होंदिया ने, वेख्या करो ध्यान नाल, कोई भैड़े वक्त का पता होंदा कोई नहीं। तो लो जी खाना आ गया यहाँ पे, खाना बड़ा मज़ेदार सी इन्हां दा, बड़ा ही मैं इंजॉय किया। बस थकावट इन्नी हो गई सी कि पुछो कुछ ना। मैनू किसी ने कहा सी जे तुसी हार्ट पेशेंट हो ना तो जहाज से तुहानू पता लग जाएगा मैं क्या बच गई हाँ पहुँच गई बस जी अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान नज़र आना शुरू होया तो मैं क्या पहुँच गई जी जिंदा सलामत मैं पाकिस्तान। आ गए लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम। ये देखिए बस जी सामान जो है वो अपना यहाँ पे देखा है, लास्ट सूटकेस मेरा मिल गया। मैं निकली बाहर और आगे मुझे हजूम में खड़ी हुई सना नज़र आई ऐसे अम्मी खड़ा हुआ करती थी हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं चलें जी पहुंच गए। आगे का व्लॉग अब आप आगे देखें, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। दिल खुश हो गया पाकिस्तान पहुंच के। लाफ